अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह व्हाट्सएप की एक ट्रिक से अपनी इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू को अरबी में, और किसी भी ज़ुबान को, कोई भी ज़ुबान आप किसी भी ज़ुबान में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिससे आप अपनी वॉइस नोट को टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपनी व्हाट्सएप वॉइस नोट को आप जो है स्लो, तेज़, नॉर्मल कर सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और उसके बाद जो है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने वो अपनी व्हाट्सएप को खोल देना है जहाँ पर आपने टेक्स्ट को, अपनी कोई भी टेक्स्ट जो है किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आपने खोल देना है। उसके बाद आपने इस निशान पर, इस बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है, किसी भी ज़ुबान को किसी और ज़ुबान में कन्वर्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी ज़ुबानें मिलेंगी, जिस ज़ुबान में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर फ़िलहाल मैं उर्दू को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की जो है इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊँगा कि किस तरह आपने करना है, ठीक है। मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ, देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप कैसे हैं, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। इसे लिखने के बाद यहाँ पर नीचे जो बटन है आपने इस पर क्लिक कर देना है, और ऊपर देखे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। आप जो है किसी और ज़ुबान में भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर अभी अरबिक में जो है करके दिखाऊँगा, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश को मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप कैसे हैं, इसको मैं अभी जो है अरबिक में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, अरबी ज़ुबान में। ये देखे आ गए यहाँ पे जो है अरबी में, मैंने उर्दू को अरबी में कन्वर्ट करना कर दिया, तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने ट्रांसक्रिबर जो है, ट्रांसक्रिबर एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर देना है, अपने वॉइस नोट पर क्लिक कर देना है, ऊपर से शेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इससे आप जो है अपनी जो वॉइस नोट है इसको आप स्लो, तेज़ और नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वॉइस नोट काफ़ी लंबी हो तो आप उसको तेज़ करके कम वक्त में सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो पहला हमारे पास है 0.75x जो है, इसमें ये इसे स्लो हो जाती है वॉइस, ठीक है, जैसा कि मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा अभी। अच्छा, ये आप सुन लें, ये ठीक है। इसके बाद आपने जो है जो दूसरी वाली है वो नॉर्मल है, जो तीसरी वाली वो तेज़ है, ठीक है। आप जो है इसी तरह इसको तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, और नॉर्मल भी सुन सकते हैं अपनी वॉइस नोट को। उसके बाद आपने करना क्या है, मैं आपको इस ऐप की सेटिंग भी बता देता हूँ। आपने सेटिंग अगर पहली करनी है या भी करनी है आप कर सकते हैं। सेटिंग में आपने आकर यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है, कि जो लैंग्वेजेस आपको चाहिए हो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मगर फ़िलहाल मुझे दो चाहिए तो मुझे दो करनी है, मगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर चिक लगा कर आप उसको ज़्यादा भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, जिस तरह मैंने तीन चेक लगाई है, पहली वाली चेक, दूसरी चेक और तीसरी चेक, ये आपने करनी है। पहली वाली में लिखा है चूज़ लैंग्वेज बिफोर यू एवरी कन्वर्सेशन, दूसरी में लिखा है ऑटोमेटिकली सेव ट्रांसक्रिप्ट द हिस्ट्री, और तीसरे में भी आपने शो यूज़र इंटरफेस, इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। ये तीनों ज़रूरी हैं, ठीक है। आपने लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट करनी है, जो लैंग्वेजेस आपको चाहिए हो, मैंने इंग्लिश और उर्दू कर दी, ठीक है। और उसके बाद इस ब्लू चेक पे क्लिक कर देना है, ये ब्लू बटन जो आपको दिखाई देता है इस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी लैंग्वेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद करना क्या है, मैं आपको वही जो वॉइस नोट है वो आपको उर्दू में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है, आपने इस ट्रांसक्राइबर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपने उर्दू में कन्वर्ट करनी है, इंग्लिश में, किसी और ज़ुबान में, उस और फिर उसके बाद ट्रांसक्राइबर में क्लिक कर दे। ये देखें मैंने कर दिया है, ठीक है। आप भी इसी तरह अपनी वॉइस नोट को जो है इस तरह टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।